जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, हम हर संडे एक छोटा सा क्यू एन ए सेक्शन रखते हैं और उस क्यू एन ए सेक्शन में आप हमसे सवाल पूछते हैं और जिनका जवाब मैं आप सभी को देता हूं। तो उसी प्रकार हमने भी इस संडे एक छोटा सा क्यू एन ए सेक्शन रखा और इस क्यू एन ए सेक्शन में आपने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो जिनका जवाब मैं आज की वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं। तो अगर आपका सवाल हमारे इस वीडियो में है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, अगर आपका सवाल हमारे इस वीडियो में नहीं है तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो सबसे पहला सवाल है, रेडमी नोट 5 क्या इसी डिवाइस को एंड्रॉयड 10 का अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं, या फिर इसी डिवाइस को MIUI 11 का नेक्स्ट अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं सबसे पहले MIUI 11 का, क्या इसी डिवाइस को MIUI 11 का नेक्स्ट अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं, उसके बाद ही आप सभी को हो सकता है एंड्रॉयड 10 का अपडेट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि इसी डिवाइस को MIUI 11 का अपडेट अभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि Redmi Note 5 इसी डिवाइस को Xiaomi के जो डेवलपर हैं वो 4 से 5 महीने के इधर कोई भी अपडेट प्रोवाइड नहीं करता है। तो फिलहाल के लिए इसी डिवाइस के बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। अगला सवाल है, Redmi Y2 क्या इसी डिवाइस को MIUI 12 का अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों आपसे बता दें कि Redmi Y2 को MIUI 12 का अपडेट हो सकता है देखने को मिले भी और ना भी मिले, क्योंकि इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया था और उस वीडियो में हमने आपको परसेंट वाइज दिखाया था, तो उसमें 65% इसका चांस है इसी डिवाइस को MIUI 12 का अपडेट प्रोवाइड होने का। अगला सवाल है, Redmi Y2 में क्या Android 10 का अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों आप सभी बता दें कि Redmi Y2 में Android 10 का अपडेट हो सकता है देखने को ना मिले, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन Xiaomi की तरफ से नहीं आया है कि इस डिवाइस को Android 10 का अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं। पर मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि ये जो डिवाइस है बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया है, तो शायद Xiaomi इस पर अभी कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। अगला सवाल है, Redmi 5 क्या इसी डिवाइस को Android 10 का अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों आपसे बता दें कि Redmi 5 को अभी अप्रैल मंथ के दौरान कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, और बाद के मंथ का बात करें तो आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में पता चल ही जाएगा क्या इसी डिवाइस को अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं आने वाला समय में। अगला सवाल है, Redmi 6 Pro क्या इसी डिवाइस को MIUI 11 का नेक्स्ट अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इसी डिवाइस के अपडेट के बारे में कि ये जो अपडेट है आप सभी को कब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी बता दें कि Redmi 6 Pro डिवाइस के लिए MIUI 11 का जो नेक्स्ट अपडेट है वो आप सभी को अप्रैल मंथ में देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको मई मंथ के दौरान हो सकता है देखने को मिल भी जाए और देखने को ना भी मिले। पर ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है कि मई मंथ के दौरान इस डिवाइस को एक अपडेट ज़रूर मिलेगा देखने को। अगला सवाल है, Redmi 7 क्या इस डिवाइस को Android 10 का अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं, और मेरा नाम ले लेना। तो दोस्तों आपसे बता दें कि Redmi 7 इसी डिवाइस को Android 10 का अपडेट MIUI 12 के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना, आप सभी को बहुत ही लंबा समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा इस डिवाइस के Android 10 का अपडेट को लेकर, क्योंकि इसी डिवाइस को Android 10 का अपडेट MIUI 11 में देखने को नहीं मिलेगा बल्कि MIUI 12 के साथ देखने को मिलेगा। तो आप लोग को थोड़ा दिन वेट करना होगा। और बात करते हैं कि इसी डिवाइस के अभी MIUI 11 का नेक्स्ट अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, तो अभी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। बस इतना जानकारी है कि इसी डिवाइस को Android 10 का अपडेट MIUI 12 के साथ देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, Redmi Y3 को Android 10 का अपडेट कब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपसे बता दें कि Redmi Y3 को Android 10 का अपडेट MIUI 12 के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना है कि इसी डिवाइस को MIUI 12 के साथ ही देखने को मिलेगा, बल्कि आप सभी को दोस्तों आपसे बता दें कि ये जो डिवाइस है बहुत ही ज़्यादा दिन आप सभी को वेट करना पड़ेगा Android 10 का अपडेट को लेकर, जो कि MIUI 12 के साथ आप सभी को देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, Redmi Note 7S क्या इसी डिवाइस को Android 10 का अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों ऐसा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन सुनने को मिला है कि Xiaomi का जो Android 10 का जो अपडेट है Redmi Note 7, Note 7S और Note 7 Pro, इन तीनों डिवाइस के लिए चाइनीज बीटा रोम में स्टार्ट कर दिया गया था रोल आउट, पर दोस्तों अभी तक इंडिया में देखने को नहीं मिला है।
हो सकता है आप सभी को इस अप्रैल के एंड तक आप सभी को एंड्रॉयड 10 का अपडेट हो सकता है इन तीनों डिवाइस में देखने को मिल जाए। अगला सवाल है रेडमी K20, क्या इसी डिवाइस को मी वाई 11 का नेक्स्ट अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों आपसे बता दें कि रेडमी K20 इसी डिवाइस को लेकर एक अपडेट रोल आउट होना अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग ज़रूर जाके वो चेक फॉर अपडेटर ऐप के थ्रू इसे एक बार ज़रूर चेक कर लें। अगला सवाल है रेडमी नोट 8, क्या इसी डिवाइस को एंड्रॉयड 10 का अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि रेडमी नोट 8 इसी डिवाइस के बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। क्या इसी डिवाइस को एंड्रॉयड 10 का अपडेट अप्रैल मंथ के दौरान देखने को मिलेगा या फिर मई मंथ के दौरान। हो सकता है कि इसे MIUI 12 के साथ हो सकता है आप सभी को एंड्रॉयड 10 का अपडेट देखने को मिले। तो दोस्तों अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो मेरे वीडियो को एक लाइक कमेंट और शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।